हेलो फ्रेंड्स, आज हम पावर बीआई के एक मैजिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे यहाँ पर देखिए एक सिंपल रिपोर्ट है, सेल्स टाइप यहाँ पर फिल्टर हैं और कुछ स्लाइसर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो कुछ रिपोर्ट्स क्रिएटेड है, मैं डेट्स चेंज करता हूँ, तो इस पूरी फिल्टर जो है ऑटोमेटिक फिल्टरिंग हो रही है, अनलाइक एक्सेल। एक्सेल में क्या होता है कि हमें हर चीज़ जो है डिफाइन करनी होती है फॉर्मूले के अंदर, सम इफ लगाते हैं या काउंट इफ लगाते हैं, तो उसी फॉर्मूले में हम डिफाइन करते हैं कि कहाँ पर फिल्टर लगाना है और कहाँ पर फिल्टर हमें नहीं लगाना है। लेकिन पावर बीआई में क्या होता है, हम सिंपल फंक्शन लिखते हैं। मैंने यहाँ पर फंक्शन लगाया है सम ऑफ द क्वांटिटी, यहाँ पर टॉप 5 ब्रांड्स यहाँ सेलेक्टेड हैं, सेम मेजर ग्रॉस मार्जिन के लिए। तो ग्रॉस मार्जिन में जो फंक्शन आप यहाँ देखेंगे तो सेम फंक्शन रहता है, लेकिन फिर भी वह अलग 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 सेगमेंट में, अलग अलग फीचर्स में उनको पेस्ट किया जाता है, तो उनकी वैल्यू अलग अलग काउंट होती है। ये है इसका रियल मैजिक। इस मैजिक के पीछे एक इवेल्यूशन कॉन्टेक्स्ट वर्क करता है, जिसके कुछ वीडियोस आपने देखी हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम इस इवेल्यूशन कॉन्टेक्स्ट को कैसे चेंज करेंगे, वो हम सीखेंगे आगे के आने वाले चैप्टर्स में, जिसमें हम कैलकुलेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो ऑटोमेटिक जो इंटरेक्शन है विजुअल्स के बीच, जैसे अब देखिए इस क्वांटिटी बाय कैटेगरी में अगर मैं कंप्यूटर कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये क्वांटिटी ब्रांड वाइज सेल्स एंड क्वांटिटी बाय सब कैटेगरी से फिल्टर आउट हो जाता है। देखिए फिल्टर आउट हो रहा है, ओके। लेकिन ये कुछ स्ट्रेंज रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर्स पर क्लिक करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिर्फ सब कैटेगरीज कंप्यूटर से रिलेटेड ही आएँ, लेकिन यहाँ पर सभी वैल्यूज आ रही हैं और जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं वो सिर्फ हाईलाइटेड हो रही हैं। तो विजुअल्स की जो ये इंटरेक्शन है, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखेंगे यहाँ पर ये इस कैटेगरी का इतना पार्ट है, बाकी किसी कैटेगरी का पार्ट नहीं है। तो ये एक स्ट्रेंज रिजल्ट दे रहा है। अगर हम ऐसा रिजल्ट नहीं चाहते हैं तो इस इंटरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, ओके। सो देखते हैं हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस विजुअल पर क्लिक करना है जिसका इंटरेक्शन बाकी विजुअल्स पर आप क्या देखना चाहते हैं, तो वो सबसे करना है। फिर हम जाएंगे सीधे फॉर्मेट टैब में और यहाँ आपको मिलेगा एडिट इंटरेक्शन, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये कुछ नथिंग हैपन, बट जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए सभी विजुअल्स पर ये नीचे पर आइकन से आ गए हैं, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है फिल्टर एंड नॉन फिल्टर, यहाँ पर फिल्टर एंड नो फिल्टर, देखिए फिल्टर एंड नॉन फिल्टर। और इस विजुअल पर देखिए तीन आए हैं, यहाँ पर एक फिल्टर है, एक हाईलाइट है और एक नन। यदि मैं इस पर नन पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि इस विजुअल का इफेक्ट इस विजुअल पर नहीं पड़ेगा, कैटेगरी का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। मैंने कैटेगरी पर क्लिक किया हुआ है, तो क्लिक करने के बाद जो बाकी सभी पर जो निशान आ रहे हैं तो वो एप्लीकेबल है इस विजुअल के लिए। अब देखिए मैं कंप्यूटर पर क्लिक करता हूँ तो बाकी विजुअल फिल्टर हुए, बट सब कैटेगरी विजुअल जो है फिल्टर नहीं हुआ है। इसका हम यूज़ कर सकते हैं जब हम कोई सेल दिखाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं फिल्टर ना हो, टॉप 5 प्रोडक्ट्स ऑलवेज डिस्प्ले हो लाइक, तो उस पर हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर भी आ रहा होगा, हमने क्लिक किया ऐसे ही। मैं इस पर जाता हूँ, नन की जगह दोबारा से स्लाइसर कर देता हूँ, तो देखेंगे वही पहले वाले इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको फिल्टर करता हूँ तो अब देखेंगे जैसे ही मैं किसी पर क्लिक पर करता हूँ तो वही कैटेगरी ना डिस्प्ले होंगी जो इस गेम्स एंड टॉयज कैटेगरी की सब कैटेगरीज है। मतलब यहाँ पर जो इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट अब हाईलाइट ना होकर के क्या हो गया है, फिल्टर हो गया है, फिल्टर आउट हो गया है। देखिए इस पर क्लिक किया, ये फिल्टर आउट सेल फोन्स, होम अप्लाइंसेस, कैमरास, टीवीज एंड ऑडियो सॉक्स एक्सेट्रा। ये तो ये हमारा एडिट इंटरेक्शन है। रिपोर्ट्स में हम इसकी काफ़ी नीड होती है, तो इस सेटिंग से आप अपनी रिपोर्ट जो है इफेक्टिवली क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखते रहिए। थैंक यू।